मैं ये बताने के लिए आया था कि निसार को 7 साल की सजा हो गई है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस महाज पर मसरूफ हो मसरूफ रहो, मैं अपनी जंग खुद ही लड़ लूंगी। मैंने मालूमात करवाई थी रेलवे कॉलोनी में, डिपार्टमेंट में या रेलवे के ऊपर के अफसरों में, कहीं इस डील की कोई खबर नहीं। डॉक्टर साहब, असल में देखिए, अगर मेरी तबीयत के बारे में कोई ऐसी बुरी खबर या कोई ख़तरनाक बात है तो खुदा के लिए मेरी बेटी को मत बताइएगा। अलियास नाम है मेरा, कत्ल की केस में अंदर आया। डर गया, कत्ल नहीं कर सका, कोशिश की, बच गई साली। अरे क्या ऐसे घूर घूर के देखे जा रहे, कुछ बोलेगा नहीं? क्या नाम है तेरा? निसार। क्या तू भी कत्ल के केस में अंदर आया? नहीं, मगर जा कर था। बड़ा गुस्सा है तेरे अंदर, क्या किया था उसने जिसे तू मारने के लिए तबे चैन है? बता दे, मेरे अलावा यहां तुम्हें कौन मिलेगा अपने दिल का हाल बताने के लिए? नहीं, दोस्ती कर ले, वक्त अच्छा कट जाएगा। तो ये लड़की हमारी राह में रोड़े अटका रही है, तकरीरें कर रही है हमारे खिलाफ जंक्शन चौक पर। ठीक है, कोई सोचते हैं इसके बारे में? वैसे कुछ सोचने की जरूरत तो नहीं है बॉस। क्यों? कॉलोनी वालों में से कोई भी उसकी बात पे एतवार नहीं करेगा बॉस। कर रहे थे तकरीरें जितनी वो कर रही है, और वैसे भी सबको मैं शीशे में उतार चुका हूँ, और कॉलोनी वाले मेरी बात सबसे ज्यादा सुनते हैं। हम दर्द बन चुका हूँ उनका मैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें उसे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो और शेर हो जाएगी। तो बॉस, अगर आप कहें तो काम तमाम कर दूं उसका। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, पे पूरा मीडिया गवाह खड़ा कर देगा। कॉलोनी वाले उसकी सच्चाई का यकीन करने लगेंगे, कोई हमसे मुआयदा नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएंगे, हमारा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। बेवकूफ। सॉरी बॉस, वो क्या है ना कि मेरी अकल इतनी दूर तक नहीं सोच सकती। हाँ तो फिर अपनी अकल लड़ाया भी मत करो, जाओ। इलम का क्या करना है ये मैं खुद सोच लूंगा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। यूं तो मेहरजान के पास आने वाले अक्सर लोग दिल गिरफ्तार ही होते हैं, मगर आपका ये बुझा चेहरा मेरे दिल पर खंजर चला रहा है। बता दीजिए, किसने आपका दिल दुखाया है? अगर तुम्हें इजाजत दो तो मैं रोज तुम्हारे पास आ सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप?
आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे तो मेरी खुशनसीबी होगी कि आप यहाँ रोजाना मेरे पास आए। मेहरजान मर नहीं जाएगी आपको मना करने से पहले। शौक से आइए, मेहरजान के दिल के और घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तुम जिस महाज पर मसरूफ हो मसरूफ रहो, मैं अपनी जंग खुद ही लड़ लूंगी। तुम्हारे और नदीम के बीच कुछ हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। हमारे मकान के मामले का क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं। कॉलोनी का कोई आदमी उनके खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं हो रहा। पता नहीं लोग क्यों डर रहे हैं। लोग शायद इसलिए डर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो वे एक अच्छी डील से महरूम रह जाएंगे। शायद इसलिए। मगर फिर हमारा क्या होगा अगर हमें ये घर खाली करना पड़ा तो? अल्लाह मालिक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारे नसीब में दर बदर होना लिखा है तो हो जाएंगे। अगर तुम नदीम से मदद मांग लो तो शायद हम कामयाब। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे जो कुछ करना है मैं अकेले कर लूंगी। सुनिए, वो आपके फारूकी साहब ने 15 दिन का बोला था, ज़रा पता तो कीजिए कि क्या हुआ। अरे बेसब्रा तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ एक वक्त, लेकिन तुम तो बिल्कुल बावली हो गई हो। अरे अभी 15 दिन हुए ही कहाँ हैं, 4 दिन तो हुए उनसे बात हुए। ले भला मैं क्यों होने लगी बावली, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये काम हो ही नहीं सकता। यकीन नहीं है लेकिन रोज़ाना पूछ रही होती हो। तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, आप भी बस ना। सकीना यहाँ। जी बोलिए ना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। खुदाया। जी बैठ गई।
ओके मैडम। अरे फजल चाचा, आप यहाँ? बेटा मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। चाचा जाना, आप बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। रहिए, क्या बात है? बेटा मैं जानता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कहने आया हूँ कि जो जंग तू लड़ रही है ना, मैं उसमें तेरे साथ हूँ बेटा। चाचा ये आपने क्या कह दिया है? आपकी बहुत हैसियत है इस जंग में, कॉलोनी के एक एक फर्द की बहुत हैसियत है और अहमियत भी, और आपकी अहमियत तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि आप वो पहले इंसान हैं जिसने इस जंग में आके मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे इस मायूसी से निकाला है। बेटा मैं किसी को क्या मायूसी से निकालूंगा, मैं तो खुद ही मायूसी के समुद्र में डूब चुका हूँ। नहीं चाचा प्लीज ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानते कि आपने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी मगर अब नहीं, ना अब आपको मायूस होने की जरूरत है ना मुझे। बेटा अगर मेरा साथ देने से तुझे कोई फायदा हो सकता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। क्यों नहीं होगा फायदा चाचा जान, जरूर होगा, अब तो हम एक से दो हो गए हैं और बहुत जल्द दो से चार भी हो जाएंगे, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अब हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे क्योंकि सफर का आगाज तो हो ही गया है। बेटा अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, बाद में मुलाकात होती है। तुम्हारी सजा के खिलाफ अपील जरूर मंजूर हो जाएगी क्योंकि शबनम तुम्हारे हक में बयान देगी। मगर जिन लोगों ने पहले शबनम को बयान देने नहीं दिया, अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे? लानत है ऐसे सिस्टम पर, कितने काबिल हैं यार सर,
उनको तो किसी बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छी जॉब मिलनी चाहिए थी। अब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा शबनम का मेडिकल चेकअप तो हुआ ही होगा। क्या पता चला? आज आयसे की बर्थडे है, उन्हें सरप्राइज दे रही हूँ। और आपको पता है ये केक मैंने खुद बनाया है। Really? ये केक तुमने बनाया? Wow!